नमस्कार, आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसमें ये देखिए, मैंने ये 200 ग्राम मैदा ली है, 50 ग्राम ये मोइन के लिए घी लिया है, हरी धनिया है, हरी मिर्च है, अजवाइन है, गरम मसाला, अदरक ग्रेट किया है, हींग है, सौंफ है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर और ये मूंग की दाल मैंने ये 50 ग्राम ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको पीस के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डो लगाएंगे। अब हम डो लगाएंगे, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और ये अजवाइन डालेंगे क्रश करके। और इसमें ये घी डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। सभी मैदे में घी बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए तब हमने इसको मिलाना है। ये देखिए, मूंग बन लग के हमारा तैयार हो गया। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा लड्डू बन रहा है बिल्कुल। अब हम ये, हमने गुनगुना पानी लिया है, इससे हम मैदा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, सॉफ्ट डो लगाएंगे, टाइट नहीं लगाना है, सॉफ्ट लगाना है। ये देखिए हमारी मैदा मड़ के तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मड़ी है। इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे और अपना स्टफिंग बनाना शुरू करेंगे। स्टफिंग बना के देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। इसमें हम तेल डालेंगे, 2 चम्मच हमने तेल डाला इसमें। और इसमें ये मूंग की दाल है, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसको हमें 2 मिनट इसको भूनना है बिल्कुल। क्रंची होने तक हम थोड़ा सा भूनेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। इसको धीमी आंच पे इस तरह से हमें भूनना है। ये देखिए दाल हमारी भून गई है। हम इसको उतार लेंगे और ठंडी करके मिक्सी में इसको पीसेंगे। ये देखिए, इसमें हम 1/2 चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए जीरा डाल देंगे, हींग डालेंगे, अदरक, धनिया पाउडर है, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्च। और ये हमने दाल को पीस लिया है, तो ये पीस के इस तरह से तैयार हो गई। अब हम इसको इसमें मिला देंगे। और इसमें हम ये नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरी धनिया, और इसको सब मसालों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए मूंग की दाल हमारी कितनी अच्छी भूनकर तैयार हुई है। इसको क्योंकि हमने हल्की आंच पर इसको भूना है,
दाल को भूनकर हल्की आंच पर, उसके बाद हमने इसको पीस कर इसमें किया तैयार। हम इसमें यह हरी धनिया और डाल देंगे। अब इसको नीचे उतार लेंगे, मसाला हमारा मिलके तैयार हो गया है और हम इसमें नीचे उतार लेंगे। इसको ठंडा होने पर हम अपनी कचौड़ियाँ बनाएंगे। देखिए मैदा हमारी तैयार हो गई है, हम कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। छोटे छोटे ये लोई काटेंगे। चिकना करेंगे इसको। किनारे से पतला करेंगे इसको और इस तरह से इसमें हम स्टीम भरेंगे। देखिए इस तरह से हमको भरनी है और यहाँ से दबाते हुए इसको बंद करना है। देखिए इस तरह से हमारी तैयार हो गई। अभी हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे। इस तरह से बेल के तैयार करेंगे। इस तरह से हम सभी बना बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इतनी हमने बना करके तैयार कर ली हैं और उनको फ्राई करेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है और हम इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे। मीडियम आंच ही रखेंगे। इसको थोड़ी नीचे से जब सिक जाएंगी तब हम इनको पलटेंगे। अभी इनको हम नहीं छुएंगे। एक मिनट नीचे सिकने के बाद ही हम इनको पलटेंगे। ये देखिए हमारी हल्की हल्की आंच पे सिक रही है, मीडियम आंच पर। हम इनको पलट देंगे। इसी तरह से हम इसको सिकने देंगे। अभी दो मिनट सिकने में अभी कम से कम लगेंगे और ज़्यादा भी लग सकते हैं इसमें। इस तरह से अभी सिकने देंगे इसको धीमी धीमी आंच पर। तब तक हम अपनी और बना के तैयार करते हैं। देखिए तीन चार मिनट हो गए इसको सिकते हुए। अभी इसमें तीन चार मिनट अभी और लगेंगे सिकने में। धीमी धीमी आंच पर हमें बिल्कुल क्रंची होने तक सेकनी है इसको और अंदर तक सिक जाए, इसलिए हमें धीमी आंच ही रखनी है। देखिए थोड़ी आधी सिक गई है करीब करीब और आधी अभी और सिकने को है। अभी चार पाँच मिनट अभी इसको सिकने में और लगेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें सेकनी है। ये देखिए हमारे ये सिक्के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया और फूले फूले बने हैं। इनको हम निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए मूंग दाल की हमारी खस्ता कचौड़ियां बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी है। आपको तोड़ के दिखाते हैं। अभी गर्म है ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए बहुत ही क्रंची, ये देखें बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।